17 महीने मैं जेल में रह के आ गया, 6 महीने केजरीवाल जी जेल में रह के आ गए, संजय भाई जेल में रह के आ गए, थोड़े दिन बाद सत्येंद्र जैन भी निकलने वाले हैं। इनके से पैतरे तो खत्म हो गए जेल में भेजने वाले। क्यों? क्योंकि मामला आप पावर देके किसी को उठा सकते हो जेल में, लेकिन कुल मिला के न्याय तो कोर्ट में होगा ना। मेरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं, सल्यूट करता हूं, बोले क्या केस लेके आए हो, इसमें क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले जी एक गवाही है। बोले ये गवाही तो दो क्वेश्चन में खत्म हो जाएगी, मैं तो क्वेश्चन पूछ लू तो अभी तो जमानत की सुनवाई कर रहा हूं, अगर ट्रायल शुरू कर दिया तो दो क्वेश्चन में केस खत्म हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन का केस बन गया है। जिस दिन ट्रायल कोर्ट में दो सवाल पूछ लिए उस दिन केस खत्म हो जाएगा। आपका भाई, आपका बेटा, आपका प्यारा केजरीवाल जी बाहर आ गए, मैं बाहर आ गया, अब लड़ाई लड़नी है, चैन से नहीं बैठना है। मैंने केजरीवाल जी को कहा कि अब काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बोले नहीं, अब कुर्सी पर तब बैठेंगे जब जनता कह देगी कि आप ईमानदार हो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता कह देगी ईमानदार हो। आज आपने बात की, विनय भाई ने बात की, महावल भाई बैठे हुए बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, ग्लूकोज चढ़ाए, लेकिन प्यार मोहब्बत इसी को कहते हैं, आशीर्वाद देने आए हुए हैं आज यहाँ पे हमारे बड़े भाई। अगर ये मुझे गार्जियन कहते हैं तो मैं इनको गार्जियन कहता हूं। तो कोशिश कुल मिला के इनकी है कि इनकी हिम्मत तोड़ दो, इनके ऊपर बेईमानी का लांछन लगा दो। इन्होंने कहा हिम्मत से स्कूल की जमीन खाली करवाई और स्कूल बनवाया, आपने कहा एक और स्कूल दे दो, एक नहीं स्कूल तो मिलते रहेंगे, लेकिन देखो स्कूल तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की जोड़ी दे सकती है आपको। और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के लिए और स्कूल बने तो फिर वापस शिक्षा मंत्री बना देना। 3 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव बोलेगा मेरे ख्याल से, 4-1 महीने, 4 महीने बाद जब वोट डालने जाए तो बाकी सारी चीजें भूल जाना, केवल इसलिए वोट डालने जाना कि अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने वाले केजरीवाल मनीष सिसोदिया की जोड़ी को चुनने जाना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केस नहीं बनता, बेल ले लो, केस ट्रायल में खत्म हो लेगा, हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अब कुर्सी में तभी बैठूंगा जब आप दोबारा से बिठाओगे, नहीं तो नहीं बैठूंगा। शिक्षा मंत्री बन, मैं तो पत्रकार था, शिक्षा मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया था, डिप्टी सीएम बनने के लिए राजनीति में नहीं आया था, लेकिन आपने बिठा दिया तो फिर वहां पे स्कूल बनवाए ईमानदारी से बैठ के। आज फिर कह रहा हूं लांछन लगा हुआ है मेरे ऊपर और केजरीवाल जी के ऊपर कि ये बेईमान है, ये बीजेपी वाले कहते हैं बेईमान है, बीजेपी वाले कहते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जनता कह दे कि ईमानदार है हम वापस जाके कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और जनता यही है, 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव होगा, आप वोट दबा के कह देना भाई हमारा भाई तो ईमानदार है, हम चाहते हैं यही शिक्षा मंत्री बने, यही मुख्यमंत्री बने, जाके अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, इसी के लिए आपके बीच में आए। बस आपको ये रिक्वेस्ट है, ये बीजेपी वाले चारों तरफ घूम घूम के अभी समझ नहीं आ रहा इनको क्या कहें, उनको लगा केजरीवाल जी को घेरेंगे, मुझको घेरेंगे, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं तो भाई जनता के बीच हूँ, जनता घेर ले मुझको, जनता के घेरना है, मैं तो जनता के घेरे में हूँ, मैं भी जनता के घेरे में हूँ, आज मैं आपके बीच आया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए, प्यार के लिए, हमारे तीनों पार्षद भाई बहन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हौसला बनाए रखा। वैसे तो यहाँ हम शिव मंदिर के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि शिव की ऊर्जा तो हर जगह उपलब्ध है, पर थोड़े थोड़ा पड़ोस में ज्यादा जाती होगी, आप सब लोगों ने यहाँ बैठ के जो प्रार्थनाएं की, जो मेरे लिए दुआएं की, वो बहुत जल्दी पहुंची होंगी क्योंकि पड़ोस में ही है, 17 महीने यहाँ पहुंची होंगी, थोड़ा यहाँ तो ऐसी जल्दी पहुंच जाती है ना, तो जल्दी पहुंच गई होंगी आपकी सबकी दुआएं, इसलिए और प्यार मोहब्बत मुझे मिली, मेरी हिम्मत बनती रही आप।